हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। तो जो लोग जीपी के पास जाना चाहते हैं, मेडिकल सर्विसेज लेना चाहते हैं एडिलेड में, तो वो ध्यान से सुन लें। अभी मैं हूँ हेम्स्टर्ड में, हेम्स्टर्ड क्लिनिक काफ़ी फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे जीपीज बैठते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं अगर आपने इनसे मिलना है। तो मैंने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई थी, देख कर आया था, गलती हो गई थी। ऑनलाइन बुकिंग में मैंने बुक अपॉइंटमेंट का बटन था वो दबाना भूल गया था, क्योंकि नीचे लिखा हुआ था अगर आपको इमरजेंसी है तो बुक अपॉइंटमेंट जल्दी कर ले, तो मेरे ध्यान में वो रहा। बल्कि आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं, टाइमिंग आ जाएगा, जिस डॉक्टर से आपने मिलना है वो भी आपके पास आ जाएगा। देखो, दो तरीके के साथ आप इनको पैसे दे सकते हैं। एक तो अगर आपके पास मेडिकेयर कार्ड है तो फिर तो कोई पैसा नहीं लगेगा, आई थिंक, उसके बारे में मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। तो अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है तो आपको 100% क्लेम नहीं मिलेगा, आपको सरकारी फ़ीस जो होगी वही माफ़ हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो सरकारी फ़ीस लेते हैं $38 और उनका जीपी का जो प्राइस है वो है $50, ठीक है, तो आपको $38 का क्लेम मिल जाएगा। इनवॉइस ले लेना उनसे, हॉस्पिटल से या क्लिनिक से, तो बाद में वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर जिससे आपने इंश्योरेंस करवाई है उनको क्लेम कर देना। मैंने बुप्पा की करवाई हुई थी, जो मेरे साथ पर्सन आया है उसने भी बुप्पा की करवाई है, तो क्लेम आपको मिल सकता है 2 से 5 दिन के बीच में, ऐसा वो कह रहे हैं। तो मतलब आपको ऑनलाइन फैसिलिटी मिल गई हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा रश हो जाता है। सुबह अगर आप देखेंगे तो मे भी आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगी। अभी देखो, 1-1.5 घंटे का आपको प्रोसीजर लग सकता है, यहाँ पर 1-1.5 घंटा लग सकता है। तो यहाँ पर जब मैं एंटर हुआ तो उन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ था कि अगर आपके सिम्टम्स जैसे कि फीवर है आपको, या खांसी आती है, या 14 दिन के अंदर अंदर आप ओवरसीज से आए हैं, या उस बंदे से टच में हैं जिसको कोरोना वायरस है, वो एंटर ना हो, वो हमारे को रिसेप्शन के ऊपर बता दे तो वो आगे अपना हैंडल करेंगे, ठीक है। उसका प्रोसीजर मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं जिस बंदे के पास आया था, साथ आया था, उसको कोरोना वायरस नहीं था और ना ही उसने ये कंडीशंस, मतलब एलिजिबल नहीं थी। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो किसी के साथ, पेशेंट के साथ आते हैं, तो आपको अंदर जाने आपको उसके साथ अंदर डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि आप हेल्दी हैं तो कहीं पर आपको दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है, तो वो आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मेरा फ्रेंड गया हुआ है, देखते हैं क्या कहता है। तो ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हो ऑनलाइन करवा लो, अगर आपने यहाँ पर आकर करवानी है वहाँ पर आके करवा सकते हो, फॉर्म दे देंगे, भर लेना और देखते हैं क्या है सिस्टम, उससे पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसने पूछी, कैसा किया है सारा सिस्टम, फिर मैं आगे वीडियो बनाता हूँ। अभी मेरे को वेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेम्स्टर्ड क्लिनिक एडिलेड में, तो डॉक्टर सिद्दीकी हैं यहाँ पर जिससे हमने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। वैसे कई और इंडियन डॉक्टर भी हैं। इंडियन डॉक्टर का बेनिफिट ये हो जाता है कि एक तो अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, ठीक है, तो आप उनसे हिंदी में बात कर सकते हैं, और दूसरी बात, खुलकर बात कर सकते हैं। कई बार इंग्लिश में हमारे को अच्छे से समझाना नहीं आता है, ठीक है, तो वो आप इंडियन डॉक्टर ही प्रेफर करिए अगर इंडिया से आए हैं, या आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी परेशानी आती है। तो ये देखो, हेम्स्टर्ड क्लिनिक बहुत ही बड़ा क्लिनिक है, काफ़ी सारे डॉक्टर भी बैठते हैं यहाँ पर, ये देखो पार्किंग भी बहुत बड़ी है। पूरा 1 आवर हो चुका हुआ है मेरे फ्रेंड को अंदर गए हुए, उसका मेरे को फ़ोन आया था कि रश नहीं है ना कोई वेटिंग पीरियड है, फिर भी 1 घंटे से ऊपर हो चुका हुआ है। थोड़ी सी गर्मी है लेकिन अभी हम घर आ चुके हुए हैं। डॉक्टर ने क्या क्या चीज़ें पूछी, क्या क्या चीज़ें हुई अंदर, वो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। मेरे को अपने फ्रेंड ने बताया कि सबसे पहले उसने, डॉक्टर ने पूछा कि आपके फादर मदर को ये प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या थी, थोड़ी सी खांसी आ रही थी और चेस्ट में थोड़ी पेन थी, कोरोना वायरस नहीं था। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको वैसे भी खांसी आए तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार कोरोना वायरस है। तो देखो बेसिकली हुआ क्या था कि उसने पूछा कि आपको कोई लाइक पेरेंटियल डिसीज़ तो नहीं है, सारी चीज़ें पूछ ली, कब हुई, कैसा हुआ। तो साथ में की उसने ECG, क्योंकि जो दर्द थी वो हार्ट तक आ रही थी,
बेसिकली अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो थोड़ा ख़राब हो गया था खाने पीने की वजह से, और वैसे भी हम अगर घर पे रहते हैं ज़्यादा देर तक और दिन भी ऐसे चल रहे हैं बीमारी वाले, घर पे बैठे बैठे बंदा वैसे बीमार हो जाए। तो उसने ECG करवाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट ECG का जो प्राइस लगा वो लगा था $27, और जो डॉक्टर ने फीस ली थी वो ली थी $50, जिसमें से अगर आप इंश्योरेंस अगर आपने करवाई हुई है उसमें से कुछ पैसे वापस आ जाएंगे। तो मैंने देखा कि जो बुप्पा की इंश्योरेंस है जो $50 उसमें कटे हैं जो दिए हैं उसका इनवॉइस का आपने फ़ोटो खींच के उनकी वेबसाइट के ऊपर कर देना है अपलोड, और उसमें से 38.20 जो थी MBS सरकारी फ़ीस कह सकते हो वो वापस आ जाएगी क्लेम करने के बाद, मतलब आपके सिर्फ $12 से भी कम लगे 11.80। तो दूसरी बात, अभी मैंने उसका वो चेक नहीं किया है कि जो उसने वो करवाया ECG, ठीक है, उसके भी मेरे हिसाब से पैसे कुछ वापस आएंगे क्योंकि उसने पूरा कवर लिया हुआ है। तो डॉक्टर ने कह दिया कि यह ऐसा है कि अभी कोई खास सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, पहले डॉक्टर कहता कि ECG करवाओ सीरियस, जब ECG होगी तो उसके बाद उसने कहा कि कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, दवाई दे दी सुबह शाम के लिए, नीचे फार्मेसी थी। अब फार्मेसी में जो पैसे लगे हैं मे बी उसका भी क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखना पड़ेगा उसको, तो अगर मिलेगा तो वो सारी, वैसे आप जब इंश्योरेंस करवाते हैं ना तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले दी जाती है, मेरे हिसाब से उसमें फार्मेसी का होता है, कुछ फार्मेसी में आपको $300 तक मिलेगा, 60% जो आपने पे किया कुछ होती है कंडीशन, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। फिर उसने एक लेटर लिख दिया कि मैं ऐसा करता हूँ, एक लेटर लिख देता हूँ कि बाय चांस अगर आपको पेन ज़्यादा हो आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। बंदा तो वैसे ही डर जाए एकदम, उसने हॉस्पिटल का नाम ले लिया कि क्या हो गया मेरे को, छोटी सी बीमारी में भी, चलो डॉक्टर ने अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है, मैं हम उसको दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन बंदा डर ही जाए। उसी तरह अगर हम इंडिया में होते ना तो बंदे को मतलब पहले दिन में ये नहीं कहते कि हॉस्पिटल चला जा, तो ये मेरे को थोड़ा सा लगा कि लाइक यार चलो केयर तो करते हैं यहाँ पर, लेकिन बंदा डर गया। तो उसने लेटर लेके दे दी कि यार ये बंदा जो है, लेटर के अंदर हॉस्पिटल का भी बता दिया कि इसको ये बीमारी है, उसके चेस्ट में दर्द हो रही थी, तो अगर आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप उसको ये दिखा के एडमिट हो सकते हैं। तो इंश्योरेंस में हॉस्पिटल का भी कवर होता है, राइट। तो ये सारा कुछ हुआ, अब देखते हैं आगे। तो जब भी आप GP के पास जाएं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, और आप पूरा खुल के बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इंडियन डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, अगर आप इंडिया से हैं, हिंदी जानते हैं, बाकी तो और भी डॉक्टर थे लेकिन हमने इंडियन डॉक्टर ही चूज़ किया। कैसा लगा ये सारा इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करना, यहाँ पर बुरा हाल है, कोरोना वायरस के बोर्ड लग गए हैं, सैनिटाइज़र ख़त्म, मास्क ख़त्म, ग्लव्स ख़त्म फार्मेसी में, ठीक है, ज़रूरी है ये सारी चीज़ें लेकिन नहीं आ रही, क्या करें। मैंने पूछा था कल सिटी से, पूछा था डिस्काउंट केमिस्ट से, वहाँ पर मास्क नहीं है जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे करते हैं। तो अगली वीडियोस में आप मेरे देखोगे कि अगर आपने क्लेम करना है तो कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में ये भी देखोगे कि अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो कौन कौन से स्टेप कर सकते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं और कैसे इसको हम पार करें। तो मेरा दूसरा मोबाइल के ऊपर फ़ोन आ गया, अभी हम बात करते हैं बाद में। बाय बाय।